बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट इलेक्शन 2021, यहाँ पर दो ऑप्शन दी गई हैं, तो दोनों का जो कंपैरिजन है उसको आप चेक कर सकते हैं। पहले कंपैरिजन में सेनेट इलेक्शन 2021 की मुमकिना पार्टी पोजीशन ऑप्शन वन है। सेकंड ऑप्शन, सेनेट इलेक्शन 2021 की मुमकिना पार्टी पोजीशन ऑप्शन नंबर टू। तो यहाँ पर सियासी जमात के नाम दिए हुए हैं, फिर ये सूबा पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और कुल तादाद यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर वन में मुस्लिम लीग नून पंजाब से 5 नशिस्तें हासिल कर सकती है और उसकी कुल तादाद जो है वो 5 हो जाती है। तहरीक इंसाफ पंजाब में से 6 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में से 10, सिंध से 2, बलूचिस्तान असम्बली से 1 और इस्लामाबाद से 2। तो इस तरह से इसकी जो पोजीशन होगी, पार्टी पोजीशन होगी, वो 21 होगी। पीपल पार्टी सिंध से 7 नशिस्तें हासिल कर सकती है और टोटल 7 हो गई। एमक्यूएम सिंध से 1 और 1 नशिस्त। जेयूआई फे जो है इसके पास कोई नशिस्त नहीं आती। जीडीए सिंध से 1 नशिस्त हासिल कर सकती है। एमएमए जमीयतुल उलमा इस्लाम फे जो है खैबर पख्तूनख्वा से 1 और बलूचिस्तान से 1 और इस तरह इसकी जो कुल नशिस्तें होगी वो 2 हो सकती हैं। अवामी नेशनल पार्टी 1 नशिस्त और टोटल 1 हो जाएगी। मुस्लिम लीग काफ जो है वो कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकती। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो 9 सीटें हासिल कर सकती है बलूचिस्तान से और उसकी जो टोटल जो तादाद होगी वो 9 होगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से 1 नशिस्त हासिल कर सकती है और कुल इसकी जो तादाद होगी वो 1 होगी। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से 4 नशिस्तें हासिल कर सकती है, तहरीक इंसाफ पंजाब से 6 और खैबर पख्तूनख्वा से 8। ऑप्शन 1 में ये 10 नशिस्तें हासिल कर सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 इस्तेमाल की जाती है तो इसको यहाँ पर इसकी 2 नशिस्तें जो है वो कम हो जाती हैं, तो सिंध से 1 नशिस्त कम हो जाती है, बलूचिस्तान में 1 और इस्लामाबाद की 2। तो इस तरह इसकी जो पीटीआई की जो नशिस्तें हैं वो 21 से 18 हो सकती हैं। पीपल पार्टी ऑप्शन 1 में खैबर पख्तूनख्वा से कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकती, लेकिन ऑप्शन 2 में 1 नशिस्त हासिल करेगी और इसके नतीजे में सिंध से उसको 1 और नशिस्त मिल सकती है, यानी इसकी 2 नशिस्तों में इजाफा हो सकता है। एमक्यूएम की सीट वैसे की वैसी ही रहेगी। जीडीए को 1 नशिस्त मिल सकती है। एमएमए जमीयतुल्लमा इस्लाम फे जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में 2 नशिस्तें और 1 नशिस्त बलूचिस्तान असम्बली से, तो इस तरह इसकी 1 नशिस्त में इजाफा हो सकता है। अवामी नेशनल पार्टी की 1 ही रहेगी दोनों ऑप्शन में। मुस्लिम लीग काफ पहली ऑप्शन में इसको कोई नशिस्त नहीं मिलती, उसी ऑप्शन में इसको 1 नशिस्त मिल सकती है और वो पंजाब में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है इसकी 1 नशिस्त ऑप्शन 2 में कम हो सकती है, यानी 9 से 8 हो सकती है। बीएनपी मेंगल जो है उसको 1 नशिस्त बलूचिस्तान से मिल सकती है और 1 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो नशिस्त ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।